अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप लोगों के साथ मैं प्रेजेंट हूँ इस्लामियात की हदीसों के साथ, क्योंकि इस्लामियात की हदीस नंबर 2 है और इस्लामियात की हदीस नंबर 3 है, जिसकी तशरीह और तर्जुमा जो है मैं आपको पिकी के साथ बता रहा होता हूँ। लेकिन इसमें जो है मैं अपनी बड़ी में आपसे जो है बात करके समझाना चाह रहा हूँ कि क्या चीज़ क्या है और क्या चीज़ क्या नहीं है। अभी आप देख लीजिएगा कि अगले साल बस में 9 में होगा, अभी ये मैट्रिक में भी है, 9 में भी है। और हमारा जो अक्सर मकसद है वो कौन से सेशन को हिट करना है, वो सेशन 2021 एंड 2022 तक जो सेशन जाएगा उसको हिट करना है। तो देखें बेटा, दूसरी जो हदीस है वो क्या है, इल्म की तरफ हर मुसलमान मर्द व औरत पर फर्ज है। और अब आज तक इस दुनिया में जितने इंसान आए हैं और जितने आते रहेंगे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के तमाम अम्बिया जो भी थे, सबों ने इल्म हासिल किया। देखिए, इल्म क्या है, किसी चीज़ के बारे में आपको पता होना और आप उसको अमल में ला रहे हो। देखिए, इल्म जो है अमल है। किस तरह का अमल है, अलीफ लाम मीम क्या है, मीम और लाम पहले हैं, अलीफ ही से है और अलीफ से क्या है, अबद भी है। अबद की क्या मीनिंग है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन उसका इल्म हमें होगा तो ही हम करेंगे। दुनिया में हम जब आए हैं तो दुनियावी इल्म भी है, लोग इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, तो वो उस शोबे में जाके कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जिस तरीके से ऑटोमोटिव इंजीनियर्स जो होते हैं वो कार के स्पेयर पार्ट्स को करेक्ट कर रहे होते हैं, मटेरियल इंजीनियर्स जो होते हैं वो उसकी इंस्पेक्शन करते हैं, और बाकी जो लोग होते हैं बाकी सिविल इंजीनियर जो है कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है। यहाँ पर अजीज हमारा जो रियल एंथम है वो क्या है कि कुरान की तालीम से लोग कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद वाली जो हदीस है वो यही है ना, तुम में से बेहतरीन शख्स हो गए जिसने कुरान मजीद सीखा और लोगों को सिखाया। वो भी एक तरीके का इल्म है कि आपको कुरान मजीद आना चाहिए, क्योंकि आपको अगर याद है आप लोगों ने जो लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ख़त्म नबूवत के टॉपिक पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों से ही वो लाइन लिखवाई थी, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि वो इल्म नहीं था ना, तो उन्हें पता ही नहीं था कि अरबी आयात किस लिए। तो एक तरीके से उसे लिखने से मुसलमान तो हुए लेकिन दिल में करार नहीं आया। जब मैं उन तमाम लोगों को कह रहा हूँ जो कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह करने से हम मुसलमान हो गए, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, हम मुसलमान नहीं हो गए हैं जब तक हमारे दिल में अल्लाह ताला का जो है वो डर व खौफ नहीं है। अनफाल में क्या पढ़ा था, मोमिन तो वो है ना जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाएँ तो इनका ईमान और बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इल्म किस तरह हासिल करनी है, क्यों नबी ने कहा था कि इल्म जाके चीन में जाकर हासिल करें, क्योंकि चाइना की पढ़ाई शुरू से बहुत अच्छी है और यहाँ इतने पढ़ाई का कोई था नहीं उस वक्त जब होगा या जिसने भी कहा, इस वजह से कहा। इल्म से इंसान खुदा को पहचानता है, इल्म एक ऐसा फूल है जो हमेशा खिला रहता है, इल्म से इंसान की पहचान होती है। और नबियों ने सोना चांदी की विरासत नहीं पाली थी, उन्होंने इल्म की विरासत पाली थी, और जो ये विरासत पाते हैं वो दुनिया और आखिरत दोनों में सुरखरू होते हैं। कहते हैं ना, जिनकी नमाज जानदार उनकी ज़िंदगी शानदार। तो आप लोगों को सारे टॉपिक्स पता हैं, जस्ट गो थ्रू करवा रहा हूँ, और सॉरी टू से मुझे हर टॉपिक में कहना पड़ रहा है कि लोग इस्लामियात की वीडियो से बिल्कुल भी जो है अटैच नहीं हो रहे हैं, उनके व्यूज़ नहीं आ रहे। खैर, मैंने जिम्मेदारी ली है तो मैं करवा रहा हूँ। तो आज हमारी 2 हदीसें कम्प्लीट हो गई, लास्ट में हम आपको पिक्चर्स वगैरह दे दी जाएंगी तो फिर आप देख सकते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ। हो सकता है जो बातें मैंने बताई हों वो नहीं हों, क्योंकि दोनों टॉपिक कंसोलिडेटेड है, मैंने पिक्चर्स ली हैं, आप देखिएगा याद करने के जो आपका टॉपिक है। लेकिन तर्जुमा आपको बुक का ही लिखना है, एग्जैक्ट लिखना है, और ये आप इसमें चेंज कर सकते हो कि अपने पॉइंट्स भी लिखते हैं कि इल्म आपको हमेशा हासिल करनी चाहिए, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक, और जो है तालीम का क्या था, मतलब भाई जो हमने पढ़ा तुम में से बेहतरीन वो है, तो मुसलमान को तालीम कुरान की तालीम क्यों ज़रूरी है, दीन की तालीम क्यों ज़रूरी है। जो भी टॉपिक है खैर अपना ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह इस्लामियत की और वीडियोज़ भी मिलती रहेंगी डिफरेंट टॉपिक्स पर। खुदा हाफिज़।